सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। सो अगर आप लोग ऐसे ही और अपडेट देखना चाहते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए तो बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है यश आनंद के बारे में। तो यश आनंद का आप लोग लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें अपने सिद्धांत जायसवाल भाई उनको ट्रेन कर रहे थे कि अपनी बॉडी को जजेस के सामने कैसे पॉप अप करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, जो मसल मेनिया शो था जो कि आज एंड कल को होना था, वो अनफॉर्चुनेटली अब कैंसिल हो चुका है एंड वो नहीं होने वाला है। बाकी गाइस, सिद्धांत भाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे इस चीज के ऊपर, क्योंकि आज भाई शो होना था एंड आज ही भाई उसकी अनाउंसमेंट दे रहे हैं। अगर कल देते तो भी ठीक था। बाकी आप लोग क्या तौर से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता सकते हो। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है नितिन चंडीला भाई के बारे में। तो नितिन चंडीला भाई भी 1 वीक आउट है मिस्टर वर्ल्ड चैंपियन सबसे। एंड आप लोग उनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट देख सकते हो जो कि उन्होंने अभी रिसेंट में ही शेयर किया था। बाकी प्रीवियस ईयर से नितिन चंडीला भाई की जो बॉडी में चेंजेस आए वो तो आप लोग को विजिबल होंगे, साथ साथ काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने अपने फिजिक के अंदर। बाकी आप लोग इस अपडेट के अंदर देख सकते हो जो उन्होंने मेन फोकस अपने शोल्डर पे किया, उनकी शोल्डर की कंडीशनिंग आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग इनके बाइसेप साइज को भी देख सकते हो जो कि काफी ह्यूज साइज उन्होंने गेन किया। एंड उसी के साथ आप लोग इनके फोरआर्म्स का साइज भी आप लोग देख सकते हो। एंड ऐसा लग नहीं रहा कि उनके जो शोल्डर का साइज है, इनकी जो बाइसेप साइज है वो काफी ज्यादा है एंड फोरआर्म्स का साइज कम है, ऐसा नहीं है। काफी अच्छा, मतलब ओवरऑल काफी अच्छी सिमेट्री इन्होंने बनाई अपने शोल्डर के अंदर। बाद बाकी की देखते हैं भाई मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कैसा परफॉर्मेंस कर पाते हैं नितिन चंडीला भाई। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है मिस्टर ओलंपिया क्वालिफायर भुवन चौहान भाई के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भुवन भाई का पोजिंग रूटीन। एंड उसी के साथ भुवन भाई ने एक मैसेज भी शेयर किया था हमारे साथ में, जो कि उनके हेटर्स एंड जो उनके फैंस दोनों को उन्होंने डेडिकेट किया था वो मैसेज को, जो कि काफी लंबा पैराग्राफ है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कम्प्लीटली रीड भी कर सकते हो। बाकी की आप लोग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं तो भुवन भाई यही कहना चाहते हैं कि इस ईयर का लास्ट उनका कॉम्पिटिशन है, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर, जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिस्टर ओलंपिया के अंदर अच्छी प्लेसिंग को अचीव करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। सो बाकी की अब देखते हैं भुवन भाई के पोजिंग रूटीन को, जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा हो कि भुवन भाई पोजिंग पे भी अपना काफी फोकस दे रहे हैं। एंड बाकी की गाइस, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ कि गाइस, रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट को देख अगर उसकी मेहनत पे ही फोकस नहीं करो तो भाई रिजल्ट तो बेकार आना ही है। लेकिन अपने भुवन भाई एंड इमरान भाई काफी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट को छोड़ के वो अपनी मेहनत पे फोकस कर रहे हैं। तो भाई उनके कमेंट सेशन में जाकर ब्लेसिंग से भर दिया करो उनका कमेंट सेशन, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि भाई वो इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड पब्लिक से या फिर उनके फैन से इतना सपोर्ट एंड इतना प्यार उनको देखने को मिल रहा है। तो भाई ऐसा कर दिया करो, ये नहीं है कि भाई टॉप 10 में आओगे टॉप 5 में, बाकी आप खुद ही समझदार हो। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि गाइस इस अपडेट को सुनकर आप थोड़े से शॉक्ड हो जाने वाले हो। एंड बाकी तो मैं सबसे पहले इनका नाम बता देता हूँ कि फीमेल बॉडी बिल्डर का नेम आखिर में क्या है। तो गाइस, इनका नेम है जिविन पार्क और ये कोरियन बॉडी बिल्डर है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग न्यूज इनके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो ये है कि आज से 3 दिन पहले इन्होंने किसी शो के अंदर कॉम्पीट किया था एंड उस शो में भाई ये ओलंपिया क्वालिफायर हो गई इस साल के लिए, जो कि भाई आज से आप लोग को 2 वीक बाद देखने को मिल ही जाएगा। एंड उससे भी शॉकिंग न्यूज गाइस ये है कि इन्होंने 2023 के अंदर होने वाला मिस्टर ओलंपिया के लिए भी भाई क्वालिफायर कर लिया, जो कि अर्ली क्वालिफायर हुई है भाई 2023 के अंदर मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड ऐसा करने वाली भाई ये मुझे अभी तक तो ऐसा लगता है कि 2023 के अंदर फर्स्ट फीमेल क्वालिफायर एथलीट बन गई हैं, क्योंकि इनसे पहले तो किसी और फीमेल एथलीट का नाम सामने आया नहीं है जो कि मिस्टर ओलंपिया के लिए 2023 के अंदर क्वालिफायर हुई हूँ। बाकी जिस शो के अंदर उन्होंने ये कारनामा किया था उस शो के भाई ऑन स्टेज आप लोग वीडियो देख सकते हो एंड आप लोग इनकी फिजिक भी देख सकते हो, जो कि काफी अच्छी फिजिक के साथ में ये आई थी। बाद बाकी आप लोग कमेंट सेशन के अंदर कांग्रेचुलेशन बोलना बिल्कुल मत बोलना इनके लिए। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है दी वन एंड ओनली अपने तरुण गिल भाई के बारे में। तो जो अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे 3 डेज एंड 1 डेज आउट भाई, वो अपडेट एंड उनकी अनाउंसमेंट अभी तो आना बाकी है, बट आज उनकी तरफ से काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करी जा रही है। एंड जो स्टोरी आप लोग देख सकते हो उसको देख के ऐसा लगता है कि तरुण गिल ने भाई बॉडी बिल्डिंग को अलविदा कह चुके हैं, जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इट ऑल स्टार्टेड विद सेरू क्लासिक एट IHFF। एंड नीचे आप लोग देख सकते हो एंड विल एंड एट सेरू क्लासिक IHFF। तो क्या इसका मतलब है कि तरुण गिल भाई ने अलविदा कह चुका है बॉडी बिल्डिंग को। एंड एक और स्टोरी डाली तो जो कि आप लोग देख सकते हो गुड प्रॉब्लम टू हैव, एंड उसमें था फोटो डालो तो फोटोशॉप है, वीडियो डालो तो वीडियो एडिट है, बॉडी को कोई रियल में देखे तो बोलता है भाई स्टोरेज लेता है। बट गाइज, अभी तरुण गिल की जो रियल अनाउंसमेंट है जिसकी वो हाइप बना रहे एंड आज तो भाई काफी ज्यादा एक्टिव है हाइप बनाने के लिए। एंड वैसे तो भाई ऑब्वियसली भाई तरुण गिल भाई हाइप बनाने में काफी मास्टरमाइंड है, बट उनकी जो रियल अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट है वो अभी आना बाकी है। एंड देखते हैं भाई क्या वो अपना न्यू शो या फिर आप लोग बोल सकते हो बॉडी बिल्डिंग का शो लेके आ सकते हैं अपना। तो भाई देखते हैं वो क्या करने वाले हैं, जो उनकी रियल अनाउंसमेंट होने वाली वो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। एंड जैसे मेरे को पता चलता है मैं आप लोग के लिए आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग क्या थॉट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अपडेट थे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आप लोग ऐसी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री रिगार्डिंग अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। मिलता है इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।